यारा मेरा मन ठनके मिले। पूरा तो कोहरा कोहरा हो गया था। सो अभी वर्षा टेस्ट करने वाली है, देखते हैं कैसा लगता है उसे। सो जैसे आप देख रहे हो ये है बीना लेक का पार्किंग लॉट, लेकिन देखिए जैसे जैसे शाम होते जा रहा था वैसे वैसे बारिश बढ़ रहा था और विजिबिलिटी भी कम हो रहा था क्योंकि बादल नीचे आ रहे थे। तो हम आए तो हैं, देखते हैं कितना हम देख पाते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हो ये है वीना लेक का एंट्री, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से ना कुछ भी जान नहीं पाओगे। सामने पूरा कोहरा सा हो रखा है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये लेक है क्योंकि बहुत ही कम विजिबिलिटी है। देखो सिर्फ पानी जो साइड में है ना उतना ही दिख रहा है, सामने पूरा कोहरा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये वीना लेक है। वीना लेक बहुत ही सुंदर हुआ करता था, हुआ करता नहीं होता ही है, लेकिन आज जैसे ये माहौल हो रखा है ना पूरा स्केरी सा लुक है तो इतना कुछ मज़ा नहीं आएगा। और ये है वो स्पॉट जहाँ पर बोटिंग होता है, तो इस माहौल में भी ना लोग बहुत सारे जा रहे थे बोटिंग के लिए। 200 रुपये लेता है बोटिंग, तो चाहते तो हम भी जा सकते थे लेकिन इतने कम विजिबिलिटी में मेरे को थोड़ा ज़्यादा सेफ़ नहीं फील हुआ तो मैं गया नहीं। देखियो जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पर लोग गए थे बहुत सारे बोटिंग के लिए, बट इतना कम विजिबिलिटी में आप क्या बोटिंग का मज़ा लोगे, तो हम इसलिए बोटिंग गए नहीं और साइड में बैठ के ही हम आराम से लोगों को देख रहे थे, तो ऐसा कुछ था। बहुत कोहरा है, कोहरा ऊपर से पूरा जबरदस्त हवा भी चल रही है। गर्मा गर्म चाय पीते थे, सो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैं चाय पी रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रहा था, तो वहाँ पर एक चाय वाले भैया खड़े थे तो मैं सोचा एक चाय पी लूँ। जैसे आप देख रहे हो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पर आए लेकिन बहुत कुछ मैंने प्लान किया था वो हुआ नहीं, और खाली वीना लेक नहीं बहुत सारे व्यू पॉइंट्स ऐसे थे जो हम लोगों को क्लोज़ करना पड़ा, जाने के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा कम विजिबिलिटी है, वहाँ जाना कुछ फ़ायदा भी नहीं है, कोहरा ही दिखेगा, ऊपर से जाने में भी थोड़ा सा रिस्क है बिकॉज ऑफ दिस विजिबिलिटी। तो ऐसा कुछ होता है कभी कभी ट्रैवलिंग में, आप जो सोचते हो होता नहीं है, नेचर अपना खुद का काम करता रहता है, तो प्लान भी हमेशा होना चाहिए। अगर प्लान ना हो तो हमारे जैसा प्लान भी अगर कुछ मिले तो ठीक है, ना हो तो चलेगा, दैट्स हाउ लाइफ इज़। तो ट्रैवलिंग में ऐसा चलता रहता है, समटाइम्स आप बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हो बट आज एंड व्हेन नेचर अपना काम दिखाई देता है तो कोई नहीं, दैट्स हाउ इट हैपेंस। सो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हो अभी हम वीना लेक से आगे हैं, बट आज बहुत ज्यादा क्लाउड है, बारिश भी चल रहा है मॉनसून टाइम में, तो पूरा व्हाइटिश हो गया है, तो ज्यादातर क्ले का को मतलब जैसे वीडियो में देख रहा होगा कि दिखेगा नहीं, बट ठीक है दैट्स हाउ इट इज। तो बोट करने का भी इतना मुझे मतलब सही नहीं लगा क्लाइमेट के हिसाब से, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है तो बेटर है कि वो रिस्क ना लिया जाए, तो बस हो गया। लेकिन अच्छी जगह है, आप हॉर्स राइडिंग है अब जैसे देख रहे हो, अगर आप हॉर्स राइड करना है तो कर सकते हैं। विजिबिलिटी कम है, थोड़ा सा कोहरा ज्यादा है और ठंडा बहुत है, मतलब इट्स लाइक बहुत माइनस जैसा फील हो रहा है, काफी ठंडा है, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा ये सब चीजों को मतलब ये किया। और साइड में देखता हूँ दिखाता हूँ वर्षा का हाल क्या है हालत खराब हो गया है बिकॉज बहुत ठंडी है, सो वी मतलब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी ठंडी रहेगी, बट ठीक है होता है कोई सुनी। सो अभी वीना लेक हो गया, आई थिंक उस कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है बट इट्स ए गुड प्लेस, आ सकते हो आप, बोटिंग है, हॉर्स राइडिंग है, अच्छा है, पार्किंग अच्छा दिया गया है, तो जितना भी गाड़ी आए आई डोंट थिंक कोई इश्यूज नहीं है, तो दिस इज ए गुड प्लेस। अगर आप आ रहे हो महाबलेश्वर तो वीना लेक आ सकते हो, इट्स ए गुड प्लेस। बाकी पीछे आप देख रहे होगे, आई डोंट नो घोड़े चल रहे हैं
तो ऐसा ही है जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, तो अच्छा है, कंसिडर कर सकते हो। चलो निकलते हैं। देख रहे हो विजिबिलिटी पूरा मसाला है। सो गाड़ी लेके आ रहे हो मॉनसून में, अगर बारिश वारिश हो रहा है तो थोड़ा सा देख के, क्योंकि विजिबिलिटी का बहुत प्रॉब्लम है। पंचगनी में थोड़ा बेटर है, महाबलेश्वर में और ज्यादा है, बट इट्स ओके। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ पंचगनी और महाबलेश्वर का हमारा 2 दिन का ट्रिप ख़त्म हो रहा है। बारिश और मॉनसून में जो कोहरा छुआ रहा था ना, उसके कारण बहुत सारे जगह हम जा नहीं पाए, अंडरस्टैंडेबल है, बट ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। जितना भी टाइम मिला, जो भी हम कर पाए, उसमें बहुत ही अच्छा था। होपफुली आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। सो इस वीडियो के नेक्स्ट 1-2 मिनट में आपको कुछ जगह ऐसा बता दूंगा जो अगर आप जा रहे हो महाबलेश्वर पंचगनी तो कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस फॉग और बारिश के कारण हम उसको कंसिडर नहीं कर पाए, बट कोई नहीं, आप जान के रखो, अगर आप जा रहे हो तो आपको हेल्पफुल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।